हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 5, दलीय व्यवस्था, एकदलीय, द्विदलीय एवं बहुदलीय व्यवस्था। एकदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था एवं बहुदलीय व्यवस्था। किसी व्यवस्था में राजनीतिक दल मुख्यतः ऐसे लोगों का एक समूह होते हैं जो चुनावी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने के इच्छुक हों। किसी व्यवस्था में राजनीतिक दल मुख्यतः ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो चुनावी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। ऐसे लोग एक ही विचारधारा, मुद्दों और जनता के सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा पेश करते हैं और ऐसे ही लोग का एक विचारधारा मुद्दे और जनता के सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा पेश करते हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं को लंबबंद करते हैं ताकि वे सामान्य हितों, लक्ष्यों, विचारधारा और मुद्दों पर जन समर्थन हासिल कर सके। विभिन्न दल राजनीतिक मुद्दों और नीतियों को निर्धारित करते हैं और जनता को अपने दल के दावे पर विश्वास दिलाते हैं और विभिन्न दल राजनीतिक मुद्दों और नीतियों को निर्धारित करते हैं और जनता को अपने दल के दावे पर विश्वास दिलाते हैं कि वे राजनीतिक दलों द्वारा जनहितैषी नीतियों को कैसे पूरा करके उनको लाभ पहुंचाएंगे, कि वो कैसे पूरा करेंगे उन नीतियों को और कैसे उनको लाभ पहुंचाएंगे। राजनीतिक दल इस प्रकार लोगों के प्रतिनिधित्व को परिभाषित करते हैं और राजनीतिक दल इस प्रकार से लोगों के प्रतिनिधित्व को परिभाषित करते हैं। चुनाव में राजनीतिक दलों के माध्यम से होने वाली प्रतिस्पर्धा उन पर दूसरे दलों से बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव बनाती है और चुनाव में राजनीतिक दलों के माध्यम से जो होने वाली प्रतिस्पर्धा है वो उन पर दूसरे दलों से बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव बनाती है। इस तरह सत्ता प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल और अन्य प्रतिस्पर्धी विपक्षी दलों के उपस्थित होने के कारण जांच और संतुलन व्यवस्था, चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम अस्तित्व में आती है। दलीय व्यवस्था की अवधारणा यूरोपीय विद्वानों द्वारा गढ़ी गई थी और दलीय व्यवस्था की जो अवधारणा है वो यूरोपीय विद्वानों के द्वारा गढ़ी गई थी। जेम्स ब्रास, मोइसे ऑस्ट्रोगोस्की जैसे विचारकों ने बताया कि विश्व के लोकतंत्रों पर दलीय व्यवस्था का विस्तार कैसे हुआ। व्यापक अर्थ में राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और राजनीतिक जो दल है वो सरकार बनाने के लिए जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है ताकि नीतियां बनाई जा सके। जियोवानी सतेरी ने कई प्रकार के राजनीतिक दलों को वर्गीकृत किया। ये वर्गीकरण विभिन्न घटकों पर आधारित है और ये जो वर्गीकरण है वो विभिन्न घटकों पर आधारित है। मुख्यतः सभी राजनीतिक दलों में तीन घटक पाए जाते हैं और ज्यादातर सभी राजनीतिक दलों में तीन घटक पाए जाते हैं। फर्स्ट इज नेता यानी लीडर्स। कोई भी राजनीतिक दल बिना किसी नेता के अस्तित्व में नहीं आ सकता। कोई भी राजनीतिक दल हो बिना लीडर के अस्तित्व में नहीं आ सकता। नेता मतदाताओं के समक्ष दल के एजेंडा, कार्यसूची एवं दल की विचारधारा को रखता है और नेता जो है वो मतदाताओं के समक्ष दल के एजेंडे और कार्यसूची एवं दल की विचारधारा को रखता है और उनसे जुड़ने की कोशिश करता है और फिर जनता से जुड़ने की कोशिश करता है। कई मामलों में मैक्स वेबर जैसे विचारकों ने देखा कि अच्छे और करिश्माई व्यक्तित्वों ने दलीय व्यवस्था के गठन या उदय का नेतृत्व किया। भारत में भाजपा के नरेंद्र मोदी इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि कैसे करिश्माई व्यक्तित्व का नेता राज्य में दलीय व्यवस्था के चरित्र में बदलाव ला सकता है। जैसे कि भाजपा के नरेंद्र मोदी इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कैसे करिश्माई व्यक्तित्व का नेता राज्य में दलीय व्यवस्था के चरित्र में बदलाव ला सकता है। लीडर के बिना कोई भी सरकार नहीं चल सकती राजनीतिक, और लीडर होता है वही मतदाताओं के समक्ष दल के एजेंडे एवं कार्यसूची
एवं दल के विचारधारा को रखता है और उनसे जुड़ने की कोशिश करता है, जनता से डायरेक्ट जुड़ने की कोशिश करता है। और कई मामलों में मैक्स वेबर जैसे विचारकों ने कहा है कि एक अच्छे करिश्माई व्यक्तित्व ने दलीय व्यवस्था के गठन या उदय का नेतृत्व किया है। और भारत में जैसे भाजपा के नरेंद्र मोदी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कैसे करिश्माई व्यक्तित्व का नेता राज्य में दलीय व्यवस्था के चरित्र में बदलाव ला सकता है। सक्रिय सदस्य एक्टिव मेंबर्स, राजनीतिक दलों के सक्रिय सदस्य आम जनता के बीच दल की विचारधारा एवं आदेशों सक्रिय सदस्य एक्टिव मेंबर्स राजनीतिक दलों के सक्रिय सदस्य आम जनता के बीच दल की विचारधारा एवं उद्देश्यों को पहुंचाने सहायता करते हैं, उद्देश्यों को पहुंचाने में सहायता करते हैं। प्राय यह भी देखा जाता है कि ये सक्रिय सदस्य अपने व्यक्तिगत लाभ एवं विकास की अपेक्षा अपने दल के विकास एवं विस्तार के लिए काम करना पसंद करते हैं। और ये भी देखा जाता है जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं वो अपने बारे में सोचना सोचकर अपने अपेक्षित दल के विकास एवं विस्तार के लिए काम करना पसंद करते हैं। उदाहरण स्वरूप चीनी साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सक्रिय सदस्यों को देखा जा सकता है, जो देश में दल की विचारधारा को जिंदा और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करते हैं। जैसे कि हम चाइना के देख सकते हैं, जो सक्रिय सदस्य को देखा जा सकता है जो देश में दल की विचारधारा को जिंदा और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते रहते हैं कंटिन्यूसली। अनुयायी समर्थक फॉलोवर्स, दलों के समर्थक दलीय व्यवस्था के सबसे प्रमुख आधार हैं, और दलों के जो समर्थक हैं वो दलीय व्यवस्था के सबसे प्रमुख आधार हैं। समर्थक दल की विचारधारा में विश्वास करते हैं, और जो समर्थक हैं वो दल की विचारधारा में विश्वास करते हैं और दलों की नीतियों एवं कार्यान्वयन के माध्यम से इनको वास्तविकता के धरातल पर उतारने की अपेक्षा करते हैं और माध्यम से उनको वास्तविकता के धरातल पर उतारने की अपेक्षा करते हैं। इन तीन घटकों के बिना किसी भी राजनीतिक दल का अस्तित्व मुश्किल है, और इन तीन घटकों के अलावा किसी भी राजनीतिक दल का अस्तित्व जो है वो टफ है। ये घटक राजनीतिक दलों को कार्य एवं दल का विस्तार करने में सहायता करते हैं, और ये जो घटक हैं वो राजनीतिक दलों को कार्य एवं दल का विस्तार करने में सहायता करते हैं। राजनीतिक दलों के कार्य, राजनीतिक दलों के कार्य क्या है? फर्स्ट इज, राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य चुनावों में उम्मीदवारों को खड़ा करके चुनाव लड़ना है। राजनीतिक दलों का जो मुख्य कार्य है वो है चुनावों में उम्मीदवारों को खड़ा करके चुनाव लड़ना है। केवल जो लीडर होते हैं वो अपने अपने उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं और फिर उनके बेस पे चुनाव लड़ते हैं। सेकेंड इज, संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का चयन दल के सदस्यों और समर्थकों द्वारा किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का चयन दल के सदस्यों और समर्थकों द्वारा किया जाता है। दूसरी ओर भारत जैसे देश में दल के नेता उम्मीदवारों का चयन करते हैं, और दूसरी ओर भारत में दल के जो नेता है वो उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं, उनको चुनते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल की अलग अलग नीतियां तथा कार्यक्रम होते हैं, और प्रत्येक राजनीतिक दल के अलग अलग नीतियां और कार्यक्रम होते हैं। मतदाताओं को नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार चयन करने का विकल्प दिया जाता है, और मतदाताओं को जो वोटर्स हैं उनको नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार चयन करने का चुनने का एक अवसर विकल्प दिया जाता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान विचारधारा वाले लोगों का समूह एक राजनीतिक दल पर विश्वास करता है, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान विचारधारा वाले लोगों का जो एक समूह है वो राजनीतिक दल पर विश्वास करता है। ये राजनीतिक दल सरकार बनाते समय उनके द्वारा अपनाए जाने वाली नीतियों को दिशा प्रदान करते हैं, और ये जो राजनीतिक दल है वो सरकार बनाते समय उनके द्वारा अपनाई जाने वाली जो नीतियां हैं उनको दिशा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, सरकार बनाने में असफल रहने वाले राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, और जो सरकार बनाने में असफल रह जाते हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, जो गलत कार्य करने की दिशा में सरकार की आलोचना करते हैं। और जब सरकार कोई गलत कार्य करती है तो उसकी विपक्ष जो होता है वो उसकी आलोचना करता है।
और जनता को सरकार के कार्य एवं नीतियों के गुण एवं दोषों के बारे में जागरूक करने का प्रयास करते हैं। और जनता को सरकार के जो कार्य हैं एवं नीतियां हैं उनके जो गुण हैं एवं दोष हैं उनके बारे में जागरूक करने को प्रयास करते हैं विपक्ष। राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते हैं और राजनीतिक जो दल हैं वो जनमत का निर्माण करते हैं। यह दबाव समूह के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह जो दबाव है वो समूह के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो सरकार पर अधिक से अधिक जन कल्याण के संदर्भ में नीति निर्माण हेतु दबाव बनाते हैं। और जो सरकार पर अधिक से अधिक जन कल्याण के संदर्भ में नीति निर्माण हेतु दबाव बनाते हैं। राजनीतिक दल कल्याणकारी योजनाओं में भी अहम भूमिका निभाते हैं और राजनीतिक दल जो है वो कल्याणकारी योजनाओं में भी अहम भूमिका निभाते हैं। स्थानीय राजनीतिक दल जनता और सरकारी अधिकारी के बीच कड़ी का काम करते हैं और स्थानीय राजनीतिक दल जो है वो जनता और सरकारी अधिकारी के बीच कड़ी का काम करते हैं। राजनीतिक दलों के प्रकार। दलीय व्यवस्था के मुख्य तीन प्रकार हैं। प्रस्तुत इकाई में इन तीनों प्रकारों की दलीय व्यवस्थाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। राजनीतिक दलों का ऐसा वर्गीकरण केवल एक विशेष राज्य के भीतर राजनीतिक दलों की संख्या पर आधारित नहीं है बल्कि तीनों व्यवस्थाओं की एक विशिष्ट विशेषता पर भी प्रकाश डालता है। और ऐसा वर्गीकरण केवल एक विशेष राज्य के भीतर राजनीतिक दलों की संख्या पर आधारित नहीं है बल्कि तीनों व्यवस्थाओं की एक विशिष्ट विशेषता पर भी प्रकाश डालता है। द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था एक बहुल्यवादी समाज में संगठित राजनीतिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है और द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था जो है एक बहुल्यवादी समाज में संगठित राजनीतिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यह लोकतांत्रिक यंत्र पर भी प्रकाश डालता है और यह लोकतांत्रिक यंत्र पर भी प्रकाश डालता है। दूसरी ओर एक दलीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था में काम करती है जहां राजनीतिक संघर्ष को सहन नहीं किया जाता और दूसरी ओर एक दलीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था में काम करती है जहां राजनीतिक संघर्ष को सहन नहीं किया जाता है। वे विपक्ष की विचारधारा को प्रस्तुत नहीं करते हैं और वे विपक्ष की विचारधारा को भी प्रस्तुत नहीं करते हैं। प्रस्तुत इकाई में हम सर्वप्रथम एक दलीय व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एक दलीय व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। एक दलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था वन पार्टी सिस्टम को एकल दलीय व्यवस्था सिंगल पार्टी सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। एक दलीय व्यवस्था को वन पार्टी सिस्टम के अलावा एक दलीय व्यवस्था यानी सिंगल पार्टी सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार बनाने वाला एकल राजनीतिक दल सामान्यतः राज्य के संविधान पर आधारित होता है और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो सरकार बनाने वाला एकल राजनीतिक दल है वो सामान्यतः राज्य के संविधान पर आधारित होता है। अन्य दल जो इस व्यवस्था में अस्तित्व में आते हैं और अन्य दल जो है जो इस व्यवस्था में अस्तित्व में आते हैं उन्हें या तो चुनावी प्रक्रियाओं में सीमित भागीदारी की अनुमति दी जाती है या उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। या तो जो कि जो दूसरे दल हैं वो इस व्यवस्था के अस्तित्व में आते हैं तो उन्हें या तो चुनावी प्रक्रियाओं में सीमित भागीदारी की अनुमति दी जाती है या उन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया जाता है। एक दलीय व्यवस्था एक दल के प्रशासन पर प्रभुत्व को व्यक्त करती है और एक दलीय व्यवस्था जो है वो एक दल के शासन पर प्रभुत्व को व्यक्त करती है। यह मुख्य रूप से अन्य दलों को मौजूद होने वाली अनुमति देता है और ये मुख्य रूप से अन्य दलों को मौजूद होने की अनुमति देता है। इसमें सत्तारूढ़ दल का या तो सभी अन्य दलों पर प्रभुत्व होता है जो सभी राजनीतिक विरोधियों को अपने में समित करने का प्रयास करता है या वे बहुत ही अतिवादी स्थिति में उन सभी विरोधी दलों का दमन कर देता है। या तो वो उनको जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको अपने सहमति करने का प्रयास करता है भ्रमित करने का प्रयास करता है या वे बहुत ही अतिवादी स्थिति में उन सभी विरोधी दलों का दमन कर देता है जो स्थापित व्यवस्था में परिवर्तन के इच्छुक होते हैं सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उपरोक्त तथ्यों को प्रमाणित करते हैं और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना की पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उपरोक्त तथ्यों को प्रमाणित करते हैं कि कैसे विपक्षी दलों को प्रमुख पार्टियों के साथ मौजूद रहने की अनुमति है
अतः उन परिस्थितियों को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है जिनमें एक दलीय व्यवस्था का अस्तित्व है, और अतः उन परिस्थितियों को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है जिनमें एक दलीय व्यवस्था का अस्तित्व है। एक विचारधारा राज्य में एक दलीय व्यवस्था का आधार बनती है। एक विचारधारा राज्य में एक दलीय व्यवस्था का आधार बनती है। सोवियत संघ जैसे देशों में मार्क्सवाद, लेनिनवाद और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता यह दर्शाने का एक अच्छा उदाहरण है कि यहाँ कैसे इन दलों को अस्तित्व में लाने के लिए परिस्थिति निर्माण में सहायक होती है और यह कैसे इन दलों को अस्तित्व में लाने के लिए परिस्थिति निर्माण में सहायक होती है। राष्ट्रवादी विचारधारा भी एक दलीय प्रभुत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जर्मनी में नाजी दल और इटली में मुसोलिनी की फसीवादी विचारधारा इस तर्क को प्रमाणित करने के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण है और जर्मनी में नाजी दल और इटली में मुसोलिनी की फासीवादी विचारधारा इस तर्क को प्रमाणित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण है, उपनिवेशिक शासन के प्रहार से स्वतंत्रता की प्राप्ति ने भी मुक्ति और स्वतंत्रता के आह्वान में प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि एक दलीय व्यवस्था को प्राकृतिक में इस हद तक सत्तावादी माना जाता है कि कई बार यह स्वयं अधिनायकवाद में रूपांतरित हो जाता है और एक दलीय व्यवस्था को प्राकृतिक में इस हद तक सत्तावादी माना जाता है कि कई बार यह स्वयं अधिनायकवाद में रूपांतरित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हम इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे कि सभी सत्तावादी राज्य एक दलीय शासन के अंतर्गत काम नहीं कर सकते हैं और यहाँ हम इस बात पर भी ध्यान रखेंगे कि सभी सत्तावादी राज्य एक दलीय शासन के अंतर्गत काम नहीं कर सकते हैं। पूर्ण राज्यशाही और सेना तानाशाही के उदाहरण किसी भी राजनीतिक दल के अस्तित्व को अवैध बनाते हैं और पूर्ण राज्यशाही और सैन्य तानाशाही के उदाहरण किसी भी राजनीतिक दल के अस्तित्व को अवैध बनाते हैं। एक दलीय व्यवस्था के गुण लाभ। एक दलीय व्यवस्था में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। फर्स्टिस, एक दलीय व्यवस्था के कारण विरोधियों के अभाव में निर्णय शीघ्रता से लिए जाते हैं, परिणाम स्वरूप शासन में दक्षता आती है। एक दलीय व्यवस्था में जो विरोधी होते हैं उनके अभाव में निर्णय शीघ्र जल्दी ही ले लिए जाते हैं और परिणाम स्वरूप शासन में दक्षता आती है। समय तक एक ही सरकार के रहने के कारण इसमें स्थिर राजनीतिक विकास की अधिक संभावना है। लॉन्ग टाइम तक एक ही सरकार रहती है तो उसके कारण इसमें स्थिर राजनीतिक विकास की अधिक संभावना है। थर्ड, यह राजनीतिक अभियानों पर संसाधनों, धन और समय की बर्बादी की अनुमति नहीं देता है विभिन्न राजनीतिक दलों के संघर्ष के अभाव में यह राष्ट्रीय एकता को सफलतापूर्वक स्थापित करती है क्योंकि जनता एक ही विचारधारा से बंधी रहती है और विभिन्न राजनीतिक दलों के संघर्ष के अभाव में यह राष्ट्रीय एकता को सफलतापूर्वक स्थापित करती है क्योंकि जनता एक ही विचारधारा से बंधी रहती है। यह व्यवस्था गुटबंदी की कमियों से सर्वथा दूर है तथा इसमें शून्यता एवं मजबूत शासन की स्थापना होती है लेकिन कई आधारों पर एक दलीय व्यवस्था की आलोचना की गई है जैसे एक दलीय व्यवस्था के दोष और नुकसान। एक दलीय व्यवस्था में निम्नलिखित अवगुण पाए जाते हैं। एक दलीय व्यवस्था में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है जो इसे इस दृष्टिकोण में कम एकत्रित बनाता है और इसीलिए इसको इस दृष्टिकोण में कम एकत्रित बनाता है। एक दलीय व्यवस्था में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है जो इसको इस दृष्टिकोण में कम एकत्रित बनाता है। नेक्स्ट, मतदाता के रूप में जनता के पास चयन का कोई विकल्प नहीं है, वे स्वतंत्र नहीं है और मतदाता जो वोटर्स है जनता के पास कोई भी चयन का विकल्प नहीं, उन्हें चुनने की आजादी नहीं है, वह स्वतंत्र नहीं है।
एक दलीय व्यवस्था में। नेक्स्ट, प्राय कई बार राज्य के अल्पसंख्यक वर्गों की उपेक्षा की जाती है, उन्हें मुख्य धारा की कल्याणकारी नीतियों से बाहर रखा जाता है। और कई बार क्या होता है, राज्य के जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनकी उपेक्षा की जाती है, उन्हें मुख्य धारा की कल्याणकारी नीतियों से बाहर रखा जाता है। नेक्स्ट, सरकार की प्राकृतिक तानाशाही होने के कारण इसमें देश के नागरिकों के प्रति जवाबदेही और शासन में पारदर्शिता का अभाव है। और सरकार की प्राकृतिक तानाशाही होने के कारण इसमें देश के नागरिकों के प्रति जवाबदेही और शासन में पारदर्शिता का अभाव है। एक दलीय व्यवस्था के उपरोक्त दोषों के कारण एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की खोज की गई है। फ्रेंड्स, दूसरी वीडियो में करेंगे द्विदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द्विदलीय व्यवस्था। आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें जिससे इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको वीडियो कैसी लगी भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।